हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वेब करियर इंस्टीट्यूट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। आज का जो टॉपिक है हमारा वह एरर डिटेक्शन। लास्ट क्लास में मैंने बताया था आप लोगों को कि मैं आज एडिक्टिव पढ़ाऊंगा, पर उससे पहले मैं चाह रहा हूं कि आप इन एरर्स को खुद से सॉल्व करिए। वीडियो को पॉज करिए और देखिए कि इन सेंटेंसेस में क्या एरर है, या फिर ये सेंटेंसेस जो है ये एरर फ्री है, यानी नो एरर है। तो आप वीडियो को पॉज करिए और इन सारे सेंटेंसेस को एक बार पढ़िए और देखिए कि इनमें एरर कहाँ कहाँ पे है, ठीक है? फिर मैं अपने तरीके से इन सेंटेंसेस को आपको समझाऊंगा। वीडियो पॉज करके एक बार सेंटेंसेस को नोट डाउन करिए और सॉल्व करिए। तो चलिए, आई होप कि आपने ये सारा जो इतना भी कंटेंट है उतार के अपना सॉल्व कर लिया हो। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट सेंटेंस को देखिए, शी हरसेल्फ किल्ड हरसेल्फ एंड हर चिल्ड्रेन। देखिए, शी यहाँ पे सब्जेक्ट है, डूअर है, वर्ब क्या है, किल्ड, शी किल्ड व्हाट या हु। मैंने अपने डेमो क्लासेस में बताया था कि अगर वर्ब से व्हाट या हु का रिप्लाई आएगा तो वही वर्ड हमारा ऑब्जेक्ट बनेगा। तो यहाँ पे व्हाट का रिप्लाई तो कुछ आ नहीं रहा, लेकिन हाँ, शी किल्ड हुम, तो उसने किसने मारा, उसने किसे मारा, तो शी किल्ड हरसेल्फ ऑब्जेक्ट एंड हर चिल्ड्रन, ये भी ऑब्जेक्ट। एंड क्या कर रहा है यहाँ पे, कंजंक्शन का काम, हर क्या है, पॉजिटिव एडजेक्टिव, ठीक है? यहाँ पे ये हरसेल्फ क्या है, ये आपका है एम्फेटिक प्रोनाउन। तो ये सेंटेंस जो है नो एरर है। कैसे नो एरर है, आइए देखते हैं। अगर हम इस सेंटेंस को हिंदी में चेंज करें, इसका मतलब आएगा उसने मार दिया खुद को और अपने बच्चों को, ठीक है? हो सकता है आपको देख के लग रहा हो कि दो दो बार हरसेल्फ है, तो एक हरसेल्फ हो सकता है गलत हो, पर ऐसा नहीं है। एक हरसेल्फ जो है यहाँ पे, ये आपका एम्फेटिक प्रोनाउन है, ठीक है? और ये वाला जो हरसेल्फ है वो आपका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। देखिए, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन और एम्फेटिक प्रोनाउन। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में क्या होता है कि जो सब डूअर होता है वही रिसीवर भी होता है, ठीक है? और जनरली हम लोग जो है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को वर्ब के बाद लिखते हैं, ठीक है? और जो एम्फेटिक प्रोनाउन है उसका काम है सेंटेंस पे एम्फेसिस डालना, ठीक है? एम्फेसिस यानी दबाव डालना। यहाँ पे ये वाला जो हरसेल्फ है वो आपका एम्फेटिक प्रोनाउन है, ये वाला जो हरसेल्फ है वो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है, और सेंटेंस जो है वो बिल्कुल नो एरर है, ठीक है? सेकेंड सेंटेंस पे आते हैं। मिस्टर शर्मा हैज थ्री सन्स बट नीदर ऑफ देम हैज एनी मेरिट। सेंटेंस को ब्रेक कर लेते हैं। मिस्टर शर्मा सब्जेक्ट, हैज मेन वर्ब, हैज व्हाट, सन्स, ये क्या है सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, ये क्या है थ्री न्यूमरल एडजेक्टिव, बट क्या है कंजंक्शन, नीदर क्या है सब्जेक्ट नंबर टू, ऑफ क्या है प्रीपोजिशन, देम क्या है प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट, हैज क्या है मेन वर्ब, मेरिट क्या है इस वर्ब का ऑब्जेक्ट, एनी क्या है, एनी जो है वो क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव है, ठीक है? तो ये जो सेंटेंस है, ये सेंटेंस आपका, इसमें एरर कहां पे है, तो एरर यहां पे है, ठीक है? कैसे वहां नीदर नहीं लगेगा, वहां पे लगेगा आपका नन। क्यों लगेगा नन, तो देखिए, अगर सेंटेंस यहाँ पे सेंटेंस में मिस्टर शर्मा के तीन बेटों की बात हो रही है, अगर तीन बेटों की बात हो रही है, अगर देखिए नीदर जो है ना वो नेगेटिव सेंस को इम्प्लाई करता है, ठीक है? नेगेटिव सेंस को इम्प्लाई करता है, अगर दो से ज्यादा लोग हैं तब नीदर नहीं नन लगेगा, अगर दो लोग होते तब वहां पे नीदर एकदम सही हो जाता। मान लीजिए ऐसा होता, मिस्टर शर्मा हैज टू सन्स बट नीदर ऑफ देम हैज एनी मेरिट, तब ये सेंटेंस नो एरर था, ठीक है? थर्ड सेंटेंस पे आते हैं। द प्राइस ऑफ दिस कार इज कंपैरेटिवली
लोअर प्राइस सब्जेक्ट है, ऑफ प्रीपोजिशन कार इसका ऑब्जेक्ट, दिस क्या है डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, इस क्या है मेन वर्ब, कंपैरेटिवली क्या है एडवर्ब, लोअर क्या है एडजेक्टिव, ठीक है। अब इस सेंटेंस को देखें तो हो सकता है आपको सेंटेंस पढ़ने सुनने में तो लग रहा होगा सेंटेंस नो एरर है, पर सेंटेंस में एरर क्या है वो देखिए। अगर हमने यहाँ पे कंपैरेटिवली लिख दिया है तो इसका मतलब ये है कि हमने कंपैरिजन तो कर दिया है, लोअर जो है वो कंपैरेटिव फॉर्म है किसका, कंपैरेटिव डिग्री है लो की, लोअर जो है वो कंपैरेटिव डिग्री है लो की, लो लोअर लोवेस्ट है ना। तो यहाँ पे जब कंपैरिजन करने के लिए हमने कंपैरेटिवली लिख ही दिया है तो फिर हम यहाँ पे लोअर क्यों लिखेंगे, यहाँ पे होगा आपका लो। तो चलिए फोर्थ सेंटेंस देख लेते हैं, राम प्लेज एज गुड एज श्याम स्टिल नोबडी अप्रिशिएट्स हिम। सेंटेंस को ब्रेक कर लेते हैं, तो यहाँ पे राम जो है आपका सब्जेक्ट है, राम सब्जेक्ट, प्लेस क्या है वर्ब, कि एज गुड एज जो स्ट्रक्चर है वो कंजंक्शन का काम करेगा और इसे हम कहते हैं सिमिली, ठीक है। श्याम जो है वो सब्जेक्ट नंबर टू, स्टिल जो है वो कंजंक्शन है, नोबडी जो है वो सब्जेक्ट नंबर थ्री, अप्रिशिएट्स जो है वो मेन वर्ब, अप्रिशिएट्स होम, हिम जो है वो ऑब्जेक्ट है, ठीक है। देखिए सेंटेंस जो है वो सुनने में तो एकदम सही है, राम प्लेज एज गुड एज श्याम स्टिल नोबडी अप्रिशिएट्स हिम, पर ग्रामेटिकली ये सेंटेंस जो है वो गलत है। कैसे, देखिए सिमिली का स्ट्रक्चर क्या है कि यहाँ पे एज गुड एज जो है यहाँ पे बीच में जो वर्ड है वो या तो एडजेक्टिव होगा या तो फिर एक एडवर्ब होगा, वो डिपेंड करेगा कैसे, तो इससे पहले जो वर्ड है अगर मान लीजिए वो वर्ब रहता है तो बीच में जो वर्ड है वो एक एडवर्ब होगा, ठीक है। इससे पहले तो वर्ब है प्लेज, तो यहाँ पे होना चाहिए था राम प्लेज एज वेल एज श्याम स्टिल नोबडी अप्रिशिएट्स हिम, ठीक है। अब गुड क्या है, गुड एक एडजेक्टिव है, कैसे सेंटेंस फ्रेम कर लो, मोहन इज अ गुड बॉय है ना, तो मोहन इज अ गुड बॉय, गुड क्या किया मोहन को क्वालिफाई कर दिया, तो मोहन इज अ गुड बॉय, गुड एक एडजेक्टिव है, वेल क्या है एक एडवर्ब है, ठीक है। तो यहाँ पे सेंटेंस क्या बनेगा, राम प्लेज एज वेल एज श्याम स्टिल नोबडी अप्रिशिएट्स हिम, ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, ठीक है, इसे नोट डाउन कर लीजिए, उसके बाद जो है मैं नेक्स्ट सेंटेंसेस बोर्ड पे लिखता हूँ, नोट डाउन कर लीजिए। तो चलिए अब आगे की जो चार सेंटेंसेस है उनको एक बार देख लेते हैं, तो वही सेम चीज, वीडियो को पॉज करिए और इन चारों सेंटेंसेस को देखिए एक बार, आप इनमें पहचानिए कि क्या एरर है, फिर मैं बताता हूँ, इनको नोट डाउन कर लीजिए। तो चलिए एक एक करके डील करते हैं इन सारे सेंटेंसेस को। प्राइजेस है आपका सब्जेक्ट, ऑफ है प्रीपोजिशन, एलपीजी है प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट, आर क्या है मेन वर्ब, ठीक है, कंसर्न क्या है सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, मेजर क्या है एडजेक्टिव, फॉर यहाँ फिर से क्या है प्रीपोजिशन, और ये मिडिल क्लास पीपल क्या है इसका ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब देखिए सेंटेंस जो है सुनने में तो सही लग रहा है पर यहाँ पे एक एरर है, क्या एरर है, रेजिंग जो है वो प्रेजेंट पार्टिसिपल का काम कर रहा है, ठीक है, ये जो सब्जेक्ट है प्राइसेस इसको क्वालिफाई करने का काम कर रहा है रेजिंग, ठीक है, लेकिन यहाँ पे हमें रेजिंग की जरूरत नहीं है, क्यों नहीं है, क्योंकि रेजिंग का मतलब होता है बढ़ा देना, ठीक है, यहाँ पे अगर हम रेजिंग को लगा दे तो इसका मतलब हो जाएगा कि बढ़ा देना दाम एलपीजी का एक मेजर कंसर्न है मिडिल क्लास पीपल के लिए, क्या मेजर कंसर्न दाम को बढ़ा देना है या बढ़ते हुए दाम जो है वो एक मेजर कंसर्न है मिडिल क्लास पीपल का, ठीक है। तो यहाँ पे हमें चाहिए रेजिंग नहीं, हमें लगाना होगा राइजिंग, राइजिंग मतलब बढ़ते हुए दाम, ठीक है, बढ़ते हुए दाम किसके, एलपीजी के, वो एक मेजर कंसर्न है मिडिल क्लास पीपल के लिए, तो यहाँ पे राइजिंग जो है वो एक हैपनिंग वर्ब है, ठीक है। आइए नेक्स्ट
क्वेश्चन को डील कर लेते हैं. मिस्टर गुप्ता सेंट ऑल द फर्नीचर्स टू पटना. मिस्टर गुप्ता सब्जेक्ट है, सेंट क्या है वर्ब है, सेंट व्हाट फर्नीचर्स इसका ऑब्जेक्ट है. टू प्रीपोजिशन, पटना इसका ऑब्जेक्ट, ठीक है. ऑल क्या है क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव, ठीक है. सेंटेंस क्या नो एरर है या फिर इसमें कुछ एरर है. सुनने में तो एकदम सही है पर इस सेंटेंस पे एक एरर है. एरर क्या है कि फर्नीचर एक ऐसा नाउन है जिसमें एस नहीं लगा सकते. यहां होना चाहिए था यहां होना चाहिए था मिस्टर गुप्ता सेंट ऑल द फर्नीचर टू पटना, तब ये सेंटेंस नो एरर हो जाता, ठीक है. थर्ड सेंटेंस देखते हैं. वी मेट द बॉय हुम यू सेड हैड वॉन अ गोल्ड मेडल. वी यहां सब्जेक्ट है, मेट क्या है वर्ब, मेट बॉयज का ऑब्जेक्ट, ठीक है. यू यहां पे क्या है सब्जेक्ट नंबर टू, सेड क्या है यहां पे मेन वर्ब, हैड क्या है हेल्पिंग वर्ब, वॉन क्या है अगेन मेन वर्ब, वॉन व्हाट अ गोल्ड मेडल. गोल्ड मेडल एक कंपाउंड नाउन है, ठीक है. अब सेंटेंस में देखिए, वी मेट द बॉय हुम यू सेड हैड वॉन अ गोल्ड मेडल, ठीक है. यहां पे सेड वर्ब को सब्जेक्ट मिल गया यू, मेट वर्ब को सब्जेक्ट मिला वी, ठीक है. यहां पे आप यहां पे ये जो है हैड वॉन इसको सब्जेक्ट दिलाओगे या ना दिलाओगे, जैसे भी सब्जेक्ट दिलाना पड़ेगा तो यहाँ पे हुम नहीं लगेगा हु, क्योंकि हमें यहाँ पे सब्जेक्टिव केस चाहिए, हमें यहाँ पे सब्जेक्टिव केस चाहिए ना कि ऑब्जेक्टिव. इसीलिए हमें हैड वॉन को भी तो एक सब्जेक्ट देना होगा, तो यहाँ पे लगेगा हु. वी मेट द बॉय हु यू सेड हैड वॉन अ गोल्ड मेडल, ठीक है. लास्ट सेंटेंस देख लेते हैं. गीता प्रिपेयर्ड हरसेल्फ वेरी वेल फॉर द एग्जामिनेशन. गीता सब्जेक्ट, प्रिपेयर्ड वर्ब, प्रिपेयर्ड व्हाट या हुम, हर्षल ऑब्जेक्ट, वेरी एडवर्ब, वेल बी एडवर्ब, फॉर क्या है प्रीपोजिशन है, फॉर द एग्जामिनेशन, एग्जामिनेशन प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट. देखिए सेंटेंस जो है नो एरर है. क्यों नो एरर है? गीता ने खुद को तैयार किया एग्जामिनेशन के लिए, ठीक है. यहां पे हरसेल्फ जो है वो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है, और मैंने बताया था रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में क्या होता है, जो डूअर होता है, ठीक है, जो डूअर होता है वही रिसीवर होता है, और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन जो है वर्ब के बाद लगता है. जैसे मैंने पिछले चार क्वेश्चंस में डील किया था कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन जो है वो वर्ब के जनरली बाद लगता है, तो गीता प्रिपेयर्ड हरसेल्फ, यहाँ पे हरसेल्फ जो है वो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की तरह ट्रीट हो रहा है, ठीक है. ये सेंटेंस क्या बन गया हमारा? नो एरर, ठीक है. तो चलिए आज इतना ही रखते हैं. आगे की जो क्लासेस रहेगी उसमें जैसे मैंने बोला था मैं बेसिक्स एडजेक्टिव्स के बेसिक्स डिस्कस करूंगा, ठीक है. आपको बस ये बताना था कि इसी तरीके से मैं आगे पढ़ाऊंगा, हर पार्ट ऑफ स्पीच को ब्रेक करेंगे, उसके बाद उस हिसाब से वहां पे कौन सा वर्ड आएगा नहीं आएगा, ठीक है, उसी को उस प्रकार से लगाएंगे, ठीक है. तो चलिए आज की क्लास यहीं खत्म करते हैं. थैंक यू एंड प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल, ठीक है. थैंक यू.